दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई साउथ फिल्मों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इससे इस बात पर चर्चा हो रही है कि इन फिल्मों को अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नाम से पहचाना जाए। चलो, ये तो अच्छी बात है कि भारत में बनने वाली फिल्में इंडियन फिल्म से दुनिया भर में जानी जाए, ना कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के नाम से जानी जाए। लेकिन सवाल उठता है कि नॉर्थ इंडिया में बनने वाली मूवी क्या साउथ इंडिया में अच्छा बिजनेस लाती है? क्या साउथ इंडिया में रहने वाले दर्शक क्या हिंदी फिल्मों को उतना ही प्यार देते हैं जितना हिंदी दर्शक साउथ फिल्मों को दे रहे हैं? मैं यहाँ बॉलीवुड का पक्ष नहीं रख रहा, बल्कि फैक्ट्स बता रहा हूँ। बॉलीवुड को गाली देना, कॉपीवुड कहना आजकल फैशन हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड ही रीमेक बनाता है। बॉलीवुड की 200 से ज़्यादा मूवीज़ को साउथ इंडस्ट्रीज ने रीमेक बनाया है, जिसमें 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, डॉन, डॉन 2, बोल बच्चन, गोलमाल 3, जॉली LLB, पिंक, स्पेशल 26 जैसी कई फिल्में शामिल है। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है दोस्तों। 200 से ज़्यादा फिल्मों को साउथ फिल्म मेकर्स ने हिंदी इंडस्ट्रीज से रीमेक बनाया है। और ऐसी कई तमिल और तेलुगु फिल्में हैं जो मलयालम फिल्मों से कॉपी की गई हुई है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता। हर एक इंडस्ट्री ने एक दूसरे की फिल्मों पर आधारित फिल्में बनाई हैं, आदान प्रदान किया है, लेकिन कॉपी का ठीकरा सिर्फ बॉलीवुड पर ही फोड़ना कहाँ तक ठीक है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बॉलीवुड की कुछ गलतियों से दर्शक नाराज है, लेकिन कुछ बॉलीवुड वालों के वजह से हम पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? बॉलीवुड ने कई सारी ऐसी फिल्में दी है जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑडियंस ने उन फिल्मों को सराहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में फूहड़ता और सेक्स की भरमार वाली फिल्में ज़्यादा आने लगी। वैसे तो साउथ की फिल्मों में भी फूहड़ता की कमी नहीं होती, लेकिन साउथ वालों ने अपनी फिल्मों में भारतीय परंपरा, सभ्यता को अच्छी तरीके से दिखाती आई है। इसीलिए बॉलीवुड के दर्शक साउथ इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित होने लगे। और इसमें आग में घी का काम किया सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार बॉलीवुड को बनाया गया। नेपोटिज्म पर बात होने लगी। इसमें कोई तर्क नहीं बनता कि उनकी जान नेपोटिज्म की वजह से गई थी। सुशांत सिंह के मामले को जानबूझकर उछाला गया, और जो लोग जीते जी उनके फैन नहीं थे, मरने के बाद उनके फैन बन गए और बॉलीवुड को गाली देने लगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पॉलिटिक्स भी होने लगी, और सभी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे अपने हाथ सेक लिए और बायकॉट बॉलीवुड को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। इस घटना ने बॉलीवुड की इमेज को काफ़ी निगेटिव बना दिया। लोग कहने लगे कि इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट नहीं किया। मैं उन दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरियों के अलावा 2 ऐसी फिल्में थी जो कि काफ़ी बेहतरीन थी। उनमें से एक थी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और दूसरी थी सोन चिड़िया। इन बेहतरीन फिल्मों को आपने कितनी बार थिएटर में जा जाके देखा? ये 2 फिल्में सुशांत सिंह राजपूत की करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। हमने ये फिल्में नहीं देखी और घटिया मसाला फिल्मों को शानदार ओपनिंग दिला दी, और तुम्बाड़ जैसी फिल्मों को मोबाइल में देखना पसंद किया, और बाद में गालियां देने लगे कि बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बनाता। बाहुबली के बाद से ही साउथ फिल्मों को हिंदी ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस देखने को मिलने लगा। KGF, पुष्पा और KGF 2 के डब वर्जन ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की। साउथ फिल्मों की कामयाबी का नशा साउथ एक्टर्स पे चढ़ने लगा है। हाल ही में अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच हुई बहस इसका ताज़ा उदाहरण है। किच्चा सुदीप ने हिंदी लैंग्वेज के बारे में अपने विचार रखे थे कि हिंदी अभी राष्ट्रीय भाषा नहीं रही और वो तमिल और तेलुगु में स्ट्रगल कर रही है। इसके जवाब में अजय देवगन ने कहा था कि तो तुम अपनी फिल्में हिंदी में क्यों डब करते हो? अजय देवगन अपनी जगह पे ठीक है, साउथ में हिंदी का विरोध हमेशा से ही होता आ रहा है। हिंदी ऑडियंस ये फर्क नहीं करती कि फिल्म कौन सी इंडस्ट्री से बनी है, चाहे वो तमिल हो या तेलुगु हो, फिल्म अच्छी रही तो हिंदी ऑडियंस फिल्म देखने के लिए जाती ही जाती है और आगे भी जाती रहेगी। लेकिन यह सच्चाई है कि साउथ की ऑडियंस सिर्फ अपने ही हीरोज की फिल्में देखना पसंद करती है। अगर इंडियन फिल्म्स के लेवल को और आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, जैसे कि नॉर्थ की ऑडियंस साउथ की फिल्मों को बड़े दिल से प्रमोट कर रही है। लेकिन साउथ की ऑडियंस हिंदी फिल्मों से हमेशा से ही सौतेला व्यवहार करती आ रही है। हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो ठग ऑफ हिंदुस्तान, दबंग 3, राधे जैसी फिल्मों को भी थिएटर में जाके देखे।
लेकिन बजरंगी भाईजान और दंगल जैसी फिल्में साउथ में नहीं चलती तो इस पे बात करना जरूरी हो जाता है। दंगल जैसी फिल्म जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया गया और अलग अलग देशों में डब किया गया और उसे भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। इसी दंगल फिल्म को साउथ इंडिया की लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था, लेकिन इस फिल्म के सारे डब वर्जन सुपर फ्लॉप हो गए। जैसे हम हिंदी ऑडियंस साउथ की अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साउथ की ऑडियंस हिंदी की बेहतरीन फिल्मों को भी नहीं देखती। ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए, इतना हिंदी विरोध ठीक नहीं। साउथ वालों को ये समझना चाहिए कि साउथ फिल्मों को पूरे देश में पहचान हिंदी लैंग्वेज से ही मिली है। उम्मीद है कि साउथ वाले भी हिंदी फिल्मों के प्रति अपना रवैया बदलेंगे और हमारी ही तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो साउथ फिल्मों का क्रेज उतरने में देर नहीं लगेगी।